वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आप लोगों को बताने वाले हैं आज हिंदू स्त्रियों की स्थिति क्या है हमारे समुदाय में या हमारे समाज में। तो वैदिक काल में स्त्रियों का जो स्थिति था वो बहुत दयनीय था, क्योंकि उस टाइम उनको बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उनको पर्दे के अंदर रखा जाता था, जिससे कि वो अपना शिक्षा को भी प्राप्त नहीं कर पाते थे और अपनी शिक्षा से वो वंचित रहते थे। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि वैदिक काल के बाद स्त्रियों का जो स्थिति था वो उत्तरोत्तर गिरती जा रही थी। मतलब ना ही वो अपने अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन कर सकते थे, ना ही वो अपने अकॉर्डिंग जी सकते थे, ना ही वो शिक्षा ग्रहण कर सकते थे और ना ही वो घर से बाहर निकल सकती थी। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि उनका जो जीवन था वो उत्तरोत्तर गिरती ही जा रही थी। वैदिक काल में उन्हें जो सम्मान और जो आदर जो श्रद्धा प्राप्त थी वो आगे चलकर हराश उन्मुख हो गई। मतलब उनका स्थिति सही नहीं है, उनको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण उनका जो स्थिति था वो धीरे धीरे गिरने लगा, खत्म होने लगा। और उनकी जो निम्न स्थितियां का जो रूप था वो मुस्लिम काल और अंग्रेजी राज्य के प्रारंभिक काल में ही दिखाई पड़ता है। पहले हमारे यहाँ मुस्लिम काल जो मेडिवल पीरियड था, वैदिक पीरियड था, उस टाइम देखा जा रहा था, जिस टाइम अंग्रेजों का शासन था उस टाइम यही देखा गया कि महिलाओं को घर से निकलना मना था, वो घर के बाहर वो नहीं निकल सकती थी और अपने अकॉर्डिंग वो अपना शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर सकती थी। तो इसीलिए यहाँ पर उनका जो कारण था वो पहला है ब्राह्मणवाद, दूसरा है आर्थिक प्राधीनता, नेक्स्ट है पितृसत्तात्मक परिवार, और नेक्स्ट है कुलीन विवाह, नेक्स्ट है अंतर विवाह, नेक्स्ट है बाल विवाह, और नेक्स्ट है अशिक्षा, और नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ब्राह्मणवाद में यही कहा गया था कि महिलाओं को या फिर वो नीच जात को देखना पसंद नहीं करते थे, और यदि अगर वो उस कुएं का पानी अगर पी गया है नीच जात के, तो ब्राह्मण जो होते थे उस कुएं का पानी पीना पसंद नहीं करते थे, वो तुच्छ करते थे। दूसरा है कि आर्थिक प्राधीनता, आर्थिक प्राधीनता दैट मीन्स कि उनका जो स्थिति होता था वो बहुत दयनीय होता था। इसलिए ऐसा होता था कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी कार्य को वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमेशा वैदिक काल में महिलाओं को दबा के रखा जाता था। नेक्स्ट है पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार में वैदिक काल में कहा गया था कि उस घर में सबसे ज़्यादा प्राथमिकता पिता का ही होता था, बल्कि माता का नहीं होता था, इसलिए यहाँ पर कहा गया है पितृसत्तात्मक परिवार। नेक्स्ट है कुलीन विवाह, कुलीन विवाह में यही कहा गया है कि वो सिर्फ अपने ही कास्ट में वो शादी कर सकती है, अदर कास्ट में वो महिलाएं या फिर जो स्त्रियां हैं वो नहीं कर सकती है विवाह। नेक्स्ट है कि अंतर विवाह, अंतर विवाह में हमारे समाज में ये भी देखा जाता था कि अदर कास्ट मैरिज से करने से समाज के लोग उनसे विरोध करते थे, उसको समाज से अलग कर दिया जाता था। नेक्स्ट है बाल विवाह, हमारे भारत देश में अधिकांश देखा जाता था कि लड़कियों का 18 साल भी नहीं होता था और उनका विवाह कर दिया जाता था, जिससे कि उनका शरीर भी सही ग्रोथ नहीं हो पाता था और उसका हमेशा शोषण होता था, ना ही उनका मेंटल डेवलप होता था, ना ही उनका फिजिकल डेवलप होता था, तो उससे बाल विवाह को रोका जा सकता था। नेक्स्ट है अशिक्षा, और ये जो महिलाओं के साथ ये जो स्थितियाँ थी और ये जो उत्पीड़न हो रहा था उसका मेन कारण था अशिक्षा। अगर हमारे देश के लोग शिक्षित होते तो इस तरह की परेशानियाँ उनके साथ नहीं होती। नेक्स्ट है संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार में लोगों का बर्डन इसलिए होता है कि उनको घर चलाना है, घर चलाने के साथ साथ उसको परिवार को भी पालना है, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करना है, तो ये सारा चीज़ उनके साथ नहीं हो पाता था, जिसके कारण महिलाओं का जो स्थिति था वो बहुत दयनीय था। धन्यवाद।